जो है वो परचम को उतारा जा रहा है, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात सबसे वो ये कि उसका जो तदब्बुर है, उसकी जो तादीब है, उसका जो तरीक़ाकार है वो देखिए, वो यकीनन काबिल खुशी और काबिल फ़ख्र है। और हम देख रहे हैं कि और हमारे मोज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो, और अब नारा जो है वो फलक शिगाफ नारा जो है वो अभी बुलंद होगा और उसमें हम सब शरीक होंगे, और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर के लिए हम वागो हैं और इंशाअल्लाह वागो रहेंगे। पाकिस्तान हमारी शान है, हमारी आन है, हमारा मुल्क है, और हम सब पाकिस्तानी। पाकिस्तान का नारा लगा और हमने कहा जिंदाबाद, और हम ये कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप देख रहे हैं कि वो फाइनल लम्हात हैं, वो आ गए, और उसके साथ साथ ये है कि जो पाक रेंजर्स के जवान हैं वो यकीनन इस मुस्तैदी के साथ सब्स हिलाली परचम को उतारेंगे और बाइज्जत और बावकार अंदाज में उसको तय किया जाएगा, और तय करने के बाद वो उसको बोसा देते हुए वो कंसर्न जो है उन तक पहुंचाया जाएगा। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो सपूत हैं वो यकीनन इन लम्हात को अपनी जो मोबाइल्स हैं, अपना जो किसी के पास कैमरा है उसमें महफूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लम्हार यादगार लम्हात होते हैं और ऐसे लम्हात जो हैं वो रोज़ रोज़ नहीं मिलते। और अब सलामी के मराहिल भी होंगे, इससे कबल ये बिगल बज रहा है जो इस बात की इंडिकेशन है कि अब फाइनल लम्हात जो हैं, और उसको जो परचम है उसको उतारा जाएगा। और उसके बाद ये है कि परचम को आहिस्ता आहिस्ता उतारा जा रहा है, और उसके बाद उसको तय किया जाएगा जिस तरह हमने पहले भी आपसे अर्ज़ किया था। और साथ साथ बिगल जो है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि तकरीब जो है वो इख्तितामी लम्हात की जानिब रवां है, और तमाम मोजस हाजरीन और ख़वातीन व हज़रात जो हैं वो खड़े हो गए हैं एहतरामन एजाजन, और इन लम्हात को कैद भी कर रहे हैं अपने अपने मोबाइल में। और यकीनन ये जो चीज़ें हैं, ये जो लम्हात हैं, हमारी यूथ के लिए, हमारे यंगस्टर्स के लिए और हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे बड़े इंस्पिरेशनल हैं। हमारे आने वाली जो नस्ल है उन्हें हमने बताना है, उन्हें हमको साथ लेके चलना है, उनको हमें अपने उनके मिजाजों में ये तब्दीली लानी है कि इस वतन की मिट्टी को हमने ज़रख़ेज़ रखना है। ये वतन की जो मिट्टी है वो ज़रख़ेज़ है, हमारे खून का आखिरी कतरा इस वतन की इज़्ज़त नामूस और इस्तेहकाम के लिए है। इस वतन की वजह से हम जो कुछ हैं वो इस वतन ही की वजह से हैं, और ये वतन वो है जो हमारा वतन है, जो हमारा पाकिस्तान है। हमें कतई तौर पे हम देख रहे हैं कि परचम को उतार लिया गया है, और उसके बाद उसे बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तय किया जाएगा। और ये सारे मनाज़र आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और अब रेंजर्स के जो जवान हैं वो आप इस परचम को वापस ला रहे हैं। हमारी लेडी रेंजर्स जो हैं, जिसमें उम्मे हबीबा और सरजा
اور ہمارے جو دیگر رینجرز کے افسران ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ان کے ہیں، اور یہ باعزت باوقار انداز سے پرچم پاکستان کو آج اتار لیا گیا، اور انشاءاللہ کل صبح پھر اسی جذبے کے ساتھ، نئی امنگ کے ساتھ پرچم جو ہے، جس کو ہم فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی کہتے ہیں، وہ کی جائے گی، کیونکہ یہ ایک روٹین ہے، اور آج کا دن چونکہ اس حوالے سے بہت ہی منفرد رہا اور منفرد ہے کہ آج یوم آزادی ہے، اور زندہ اقوام جو ہیں وہ اپنی آزادی اور خوشی کے لمحات کو